देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। आपको बताते चले, बिजनौर जनपद में आज सुबह मौसम खराब होने के कारण बिजनौर मुरादाबाद मार्ग पर एक कार और बस की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें कार सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चारों घायलों की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल से उन्हें हायर सेंटर मेरिट के लिए रेफर कर दिया गया है, जबकि बस चालक मौके पर बस को छोड़कर फरार हो गया। जबकि दूसरी घटना एनएच 74 के थाना शेरकोट से एक स्कूली बस बच्चों को लेकर धामपुरा प्रियंका स्कूल जा रही थी कि वहीं शेरकोट धामपुर मार्ग पर घना कोहरा होने के कारण ट्रक और बस की आमने सामने की टक्कर में 6 बच्चे घायल हो गए, जबकि स्कूली बस चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी हालत को चिंताजनक देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं स्कूल बस के चालक ने अपनी जान जोखिम में डालकर बड़ी घटना होने से बचा लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस, सभी घायल बच्चों को सीएससी धामपुर भर्ती कराया गया है। वहां बस चालक की हालत नाजुक देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। दुर्घटना होने के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। प्रशासन द्वारा इस कड़ाके की ठंड व घने कोहरे के चलते स्कूलों का समय नहीं बदला गया, तो हो सकता है कोई पड़ा। क्या मामला है, पूरा मामला बताइए। ट्रक बहुत तेज गति में आ रहा था, उन्हें ओवरटेक करते समय गाड़ी मार दी। हादसा बिजनौर से संवाददाता सलीम अहमद की रिपोर्ट, यूपी क्राइम न्यूज। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।